So what is up guys, it's your boy. Oh shit, here we go again. And today's video is all about a game called Grand Theft Auto San Andreas, जिसके बारे में आप सब जानते हैं एंड जो कि अपने आप में एक गेमिंग फिनोमेना है, क्योंकि पहला तो इसका थर्ड पर्सन ओपन वर्ल्ड स्ट्रक्चर एंड दूसरी इसकी स्टोरी लाइन दोनों ही काबिले तारीफ है। लेकिन इन सब के अलावा भी इस गेम में भर भर के कोई चीज है, तो वो है सीक्रेट्स एंड ईस्टर एग्स। और इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास की 10 ऐसी चीजों के बारे में जिसे कि आपने शायद ही कभी नोटिस किया हो। एंड बाय द वे, ये लिस्ट मेरी पसंद की लिस्ट होने वाली है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा या अलग जानते हो, बट मैं उन चीजों को शो ना कर पाया हूँ। लेकिन टेंशन नॉट, ऐसी चीजों के लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है ना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर विद अ प्लान लाइक दिस इज दैट नथिंग कैन गो रॉन्ग। नंबर 10, स्लाइडिंग ग्लिच। नाउ सब जानते हैं कि ग्लिच क्या होते हैं एंड वो किसी भी गेमिंग एक्सपीरियंस को किस हद तक बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली सारे ग्लिचेस ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि कुछ ग्लिचेस प्लेयर को हेल्पफुल भी साबित होते हैं, जैसे कि ये स्लाइडिंग ग्लिच जो कि आपकी मूवमेंट्स थ्रू आउट द गेम और इवन मिशंस के बीच में भी बहुत ही फास्ट कर सकता है। और इसके ही अलावा आप इस ग्लिच की हेल्प से उन इंटीरियर्स में भी फास्टली मूव कर सकते हैं जिसमें कि आप पहले कछुए की तरह रेंगते थे। एंड दैट्स व्हाई टू एक्टिवेट दिस ग्लिच आपको पहले गेम की सेटिंग्स में जाकर फ्रेम लिमिटर ऑन कर देना है एंड फिर गेम में आपको क्राउच, वॉक, स्प्रिंट और एम एक के बाद एक परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि ग्लिच एक्टिवेट हो सके। वैसे इसे परफॉर्म करना मुश्किल है, तो हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन यारो फिर रिजल्ट भी तो देखो ना। नंबर 9, सुसाइडल फोटोग्राफर। तो मैप के इस एरिया में एंटर करते ही आपको एक नॉर्मल सा दिखने वाला पर्सन मिलेगा जो कि किनारे पर बैठकर ही लॉस सैंटोस शहर की तस्वीरें खींच रहा है। बट एज सून एज हिज फोटोग्राफी इज कंप्लीटेड, वो आदमी अपनी जगह से उठकर बस सीधे पानी की तरफ चलता जाता है और बस डूब जाता है। नंबर 8, डेड बॉडीज नियर एरिया 69। सो ऑन डेजर्ट एरिया ऑफ लॉस वेंचुरस आपको यहाँ एक ट्रक खड़ा मिलेगा जिसके आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा हुआ है जिसमें कि 6 लाशें बॉडी बैग्स में पैक्ड पड़ी है। एंड ये सब चीजों को एनालाइज करने पर लग रहा है कि कोई इन बॉडीज को गार्ड कर इनसे पीछे छुड़ाने में था, जो कि एक्चुअली में ही एक रेलेवेंट एंड रियल वर्ल्ड रिजेम्बलेंस ईस्टर एग हो सकता है, क्योंकि लॉस वेंचुरस टोटली बेस्ड है रियल सिटी लास वेगास के ऊपर, जहाँ की लोकल माफिया का ये एक सो कॉल्ड फेवरेट तरीका था लोगों को मारकर उनकी बॉडीज छुपाने का। नंबर 7, बायोवेल। तो नॉर्थ ईस्ट रेड काउंटी में लोकेटेड मॉन्टगोमेरी नाम के एक छोटे से टाउन के इस एरिया में आगे चलते ही आपको एक ब्लॉक्ड कुआं मिलेगा जिसके बाहर ही बायो वेस्ट का साइन लगा हुआ है, जो कि मेनली वेरी हार्मफुल एंड वेरी डेंजरस रेडियो एक्टिव मटेरियल वेस्टेज को डंप करने की जगह पर लगाया जाता है। और इस कुएं के पास ही जाने पर पता लगता है कि कुएं की एंट्रेंस भी ग्रीनिश ग्लो कर रही है, जिससे कि ये बात तो क्लियर है कि इसमें बायो वेस्टेज है, लेकिन ये अब भी क्लियर नहीं है कि बायो वेस्टेज एक्चुअली में इस कुएं में डाल कौन रहा है। नंबर 6, नो ईस्टर एग अप है। नाउ इस ईस्टर एग को देखने के लिए आपको सैन फियरो के गैंड ब्रिज के टॉप पर पहुंचना होगा, जो कि मेरे हिसाब से आपको चीट यूज करके ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना चीट के तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ तक पहुंचना। एनीवेज, जैसे ही आप ब्रिज के टॉप पर पहुंचेंगे तो यू विल फाइंड अ मैसेज सेइंग देयर आर नो ईस्टर एग्स अप हियर, गो अवे। नंबर 5, अदर गेम रेफरेंसेज। सो यहाँ सैन एंड्रियास में ही आपको GTA फ्रेंचाइज को बनाने वाली कंपनी रॉकस्टार के ही बनाए हुए कई और गेम्स के रिजेम्बलेंस भी मिल जाएंगे, जैसे कि जीरो आरसी टॉय शॉप में प्रेजेंट ये जेम्स अर्ल कैश के एक्शन फिगर्स जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है रॉकस्टार के ही बनाए गेम मैनहंट का। और यही हमें एक गैस स्टेशन के पास मैक्स पेन नाम का एक स्टिकर या फिर एक साइन भी देखने को मिलता है, जो कि एक ऑब्वियस रेफरेंस है गेम मैक्स पेन का, जिसे भी रॉकस्टार ने ही पब्लिश किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ नॉन रॉकस्टार गेम्स जैसे कि क्रोबार इन रेफरेंस फॉर हाफ लाइफ एंड ये ट्रू क्राइम पोस्टर फॉर द गेम ट्रू क्राइम स्ट्रीट्स ऑफ LA भी आपको सैन एंड्रियास में ही देखने को मिल जाएंगे। नंबर 4, मूवी रेफरेंसेज। अब GTA Vice City की तरह GTA San Andreas में भी आपको कई मूवीज के इनडायरेक्ट हिंट्स और रेफरेंसेज मिल जाएंगे, जैसे कि रेड काउंटी के पास पेलोमिनो क्रीक नाम की जगह पर पानी के किनारे पड़ी ये रस्टी व्हीलचेयर, जो कि सीधा रेफरेंस है फिल्म द टेक्सास चेनसो मैसेकर का। एंड एक कट सीन में इंट्रोड्यूस्ड हुए कैन के तोते का ये डायलॉग स्ट्रेटली रेफरेंस्ड है फ्रॉम द फिल्म स्कारफेस। फ्रेंड इज अ बर्ड नेम्ड टोनी। I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit. I never fucked anybody over in my life didn't have it coming to him. You got that? Number 3, GTA Vice City references. Now, San Andreas में लगभग हर एक कोने में Vice City का रेफरेंस कहीं ना कहीं तो आपको मिले जाएगा, फिर चाहे वो सीजे के सेफ हाउस में पड़ा सर्फबोर्ड हो, एंजल पाइन लोकेशन के डस्टबिन में पड़े Vice City के मैप्स हो, Vice City के एंटेगोनिस्ट लैंस वेंस का पोस्टर हो, या फिर Vice City के ही ओरिजिन वाले रॉक बैंड लव फिस्ट का बैनर हो, हर जगह ग्रैंड थेफ्ट ऑटो Vice City।
नंबर टू, टॉमी वर्सेटी। तो मिशन मीट बिजनेस के दौरान जब सीजे कैन को बचाकर मीट वेयरहाउस से निकल रहा होता है तो कैन सीजे को बाय मिस्टेक टॉमी कहकर उसे और हमें दोनों को वाई सिटी के मेन प्रोटैगनिस्ट टॉमी वर्सेटी की याद दिला देता है। This is so exciting, Tommy. It's like old times. Who the fuck is Tommy? एंड फाइनली नंबर वन, रियल फेनोमेनाज। तो क्या आपको पता है कि सैन एंड्रियास के सैन फेरो शहर ने कुछ साल पहले एक भारी भरकम भूकंप यानी कि एक अर्थक्वेक झेला था जिसकी ट्रेसेस के तौर पर हमें सैन फेरो में डिस्ट्रॉयड ओवरपास एंड कुछ टूटी फूटी बिल्डिंग्स मिलती है। और इतना ही नहीं, अंडर वाटर भी हमें एक बड़ी सी फॉल्ट लाइन देखने को मिलती है जो कि ऑब्वियसली वहां है अर्थक्वेक की वजह से क्रिएट हो गई है। अब फॉल्ट लाइन का मतलब गूगल कर लो यार, कम ऑन। बट इन सब बातों में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये अर्थक्वेक वाली पूरी चीजें एक हिंट या फिर यू कहे कि एक रेफरेंस रियल वर्ल्ड सिटी सैन फ्रांसिस्को में 1989 में आए अर्थक्वेक का, क्योंकि सैन फेरो शहर कंप्लीटली बेस्ड है सैन फ्रांसिस्को पर एंड जीटीए सैन एंड्रियास की स्टोरी लाइन भी 1992 पर ही सेट है। सो इट्स अ वेरी गुड टच टू डिटेल। तो दैट्स अप गाइस फॉर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अलोंग विद सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।